दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ना दिखाई देने वाला फोल्डर अपने कंप्यूटर में कैसे बना सकते हैं। वैसे तो ये बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं। अगर आप किसी से पूछने भी चाहते हैं तो वो आपको टाल देगा, बोलेगा यार बाद में बता दूंगा या भाव खाएगा। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ना दिखाई देने वाला फोल्डर अपने कंप्यूटर में कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने कंप्यूटर में या आपको अपने लैपटॉप में एक फोल्डर बनाना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ स्क्रीन पर ही एक फोल्डर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जाएंगे न्यू पर, इसके बाद जाएंगे फोल्डर में और किसी भी नाम से यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे। तो चलिए यहाँ पर बनाते हैं न्यू फोल्डर नाम से। देखिए हमारा फोल्डर बनकर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों हमें जाना है यहाँ स्टार पर। आप लोगों के पास अगर विंडोज 7 होगा तो यहाँ पर देखिए स्टार का एक ऑप्शन दिखाई देता है। अगर आपके पास विंडो 8 है तो भी आपको यहाँ पर स्टार का ऑप्शन दिखाई देगा। मेरे पास विंडो 8.1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है सर्च में। सर्च में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कैरेक्टर मैप, ठीक है। कैरेक्टर मैप सर्च कीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पर कैरेक्टर मैप आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे आपको उर्दू में। तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है। ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ब्लैंक लेटर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आप जाइए सेलेक्ट पर। सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कॉपी कर दीजिए उसको। कॉपी करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, इस न्यू फोल्डर में जाइए, इसको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आप देखिए जाइए यहाँ रीनेम में और यहाँ पर कंट्रोल वी पेस्ट कर दीजिए। एक साथ कंट्रोल वी दबा करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए जो आप कैरेक्टर को यहाँ से कॉपी किए थे। अब आपको यहाँ पर इंटर दबा देना है। अब देखिए जो आपका फोल्डर है बिना नाम का बन चुका है। इस फोल्डर का कुछ भी नाम नहीं है, बिना नाम का फोल्डर है। तो अब आपको क्या करना है, इस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करना है और आपको जाना है प्रॉपर्टीज में। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टमाइज का, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फोल्डर आइकन का, तो इस पर क्लिक कीजिए चेंज आइकन पर। अब देखिए आपको यहाँ पर बहुत सारे आइकन मिल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर तीन आपको ब्लैंक आइकन दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसका कोई आइकन नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक है, तीन है यहाँ पर। तो इनमें से आप तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पर भी ओके कर दीजिए। वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई इस वीडियो के नीचे देखेंगे तो लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करके आप इसको ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।